दोस्तों, भारत और रूस के बीच ज्वाइंट वेंचर इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के कोरबा में AK-203 क्लासनिको असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि 5,000 राइफलों की पहली खेप मार्च तक सेना को सौंप दी जाएगी। अगर बात करें इस राइफल के स्पेसिफिकेशंस की तो इसका वजन 3.8 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 880 से 940 मिलीमीटर हो सकती है। इसके बैरल की लंबाई 415 मिलीमीटर है। इसमें 7.62x39mm की बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है। इसके रेट ऑफ फायर 700 राउंड पर मिनट हो सकता है। इसकी मजल वेलोसिटी 730 मीटर पर सेकेंड है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 400 से लेकर 800 मीटर तक है और इसमें मल्टीपल स्कोप्स को लगाया जा सकता है। अमेठी उत्तर प्रदेश में कोरबा ऑर्डनेंस फैक्ट्री ने 7.62 मिलीमीटर क्लासनिको AK-203 असॉल्ट राइफल के पहले बैच का उत्पादन शुरू किया है। भारतीय सेना को डिलीवरी की शुरुआत जल्द ही होने की उम्मीद है। कारखाने की क्षमता भारत में अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के कर्मियों को AK-203 असॉल्ट राइफल से पूरी तरह से लैस करना संभव बनाती है, जो उनकी उच्च अनुकूलन क्षमता के कारण विभिन्न ऑपरेटरों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा ये जॉइंट वेंचर तीसरे देशों को भी निर्यात करने में सक्षम होगा। AK-203 असॉल्ट राइफल हाई क्वालिटी कन्वीनियंट और मॉडर्न स्मॉल आर्म्स भारत के डिफेंस और लॉ एनफोर्समेंट के साथ सेवा में प्रवेश शुरू कर देंगे। एक्सीलेंट एर्गोनॉमिक्स निशानेबाजी के लिए एडेप्टेबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस विशेषता को ऐड करती है। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ असॉल्ट राइफल में से एक है। ज्वाइंट वेंचर भारत में AK-203 राइफलों के उत्पादन का 100% स्थानीयकरण सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है और भविष्य में भी क्लासनिको असॉल्ट राइफल प्लेटफॉर्म पर आधारित उन्नत राइफलों के निर्माण के लिए उत्पादन बढ़ा सकता है और अपनी उत्पादन सुविधाओं को एडवांस कर सकता है। IRRPL की स्थापना 2019 में भारत के तत्कालीन OFB, जिसे अब एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसके साथ म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और रूस के क्लासनिको के बीच संयुक्त रूप से की गई थी। राइफल का फुल स्केल पर उत्पादन 2 से 3 वर्षों के भीतर होने की उम्मीद है। कॉन्ट्रैक्ट शर्तों के अनुसार पहली 70,000 AK-203 राइफलें भारत में ही स्थानिकीकरण की सीमा 5 से 70% तक चरणबद्ध वृद्धि के साथ उत्पादित की जाएगी। शेष राइफल्स का उत्पादन 100% इंडिजिनाइजेशन के साथ किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है जानकारी पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद।